मानिकगंज के अनुभवों को समेटे सहेजे हम ढाका के दूसरे पड़ोसी जिले के लिए रवाना हुए। ये जिला था राजबाड़ी। ढाका का पड़ोसी ये जिला मानिकगंज से लगभग 80 किलोमीटर दूर है, लेकिन बीच में नदी है पद्मा। राजबाड़ी जाने के लिए पद्मा को फेरी से पार करना होता है। फेरी यहाँ की जीवन रेखा है। इसका संचालन बांग्लादेश आंतरिक जल यातायात निगम द्वारा किया जाता है। बेहद व्यस्त रहता है ये मानिकगंज की छोर का पतुरिया घाट। दिन भर सैकड़ों फेरी यहां आती जाती रहती हैं। चारों ओर लोगों की भीड़, हलचल, शोर शराबा और आते जाते वाहनों की आवाजें। बांग्लादेश से यात्रियों को भारत ले जाने वाली बसें भी इसी फेरी से पार होती हैं। राजबाड़ी और बांग्लादेश के अनेक स्थानों को फेरी ही जोड़ती है। पतुरिया घाट से राजबाड़ी के छोर का दौलतिया घाट तक का सफर सिर्फ 15 मिनट का है, लेकिन सामान और वाहन उतारने चढ़ाने में आधा घंटा लग जाता है। दौलतिया घाट से राजबाड़ी करीब 40 मिनट की दूरी पर है। पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा। इस जिले की लगभग 8.5 लाख आबादी के 70% लोग बेहद गरीब, गरीबी रेखा के नीचे हैं। ज्यादातर लोग खेती करते हैं या फिर खेतों में मजदूरी। बड़े पैमाने पर मछली पालन किया जाता है, छोटे मोटे उद्योग धंधे भी हैं। आबादी की सघनता अधिक होने और बेरोजगारी के कारण हर ओर लोग ही लोग नजर आते हैं। गली और सड़कों के नुक्कड़ों पर निठल्ले बैठे बतियाते लोग। 100 में से केवल 26 लोग ही साक्षर हैं इस जिले में। जगह जगह पोस्टर लगे हैं जिनमें निरक्षरों को साक्षर बनने को प्रेरित किया गया है। हम सोचने लगते हैं कि कौन पढ़ता है ये पोस्टर। निरक्षर तो पढ़ नहीं सकते। जो पढ़े लिखे हैं उनमें से ज्यादातर को क्या दिलचस्पी है इन अंगूठा छाप लोगों को अक्षर ज्ञान कराने की। हम राजबाड़ी के कलेक्टर के कार्यालय पहुंच गए। हमारा स्वागत एक तोरण द्वार और उस पर लिखे इन नारों से हुआ। सार्विक शिक्षा आंदोलन, सफल करो सफल करो। जिले की कलेक्टर एक महिला है। वे जिला साक्षरता समिति की अध्यक्ष भी हैं। वे साक्षरता कार्यकर्मियों की एक मीटिंग में व्यस्त हैं। जिले में चलाए जा रहे इस शिक्षा अभियान को यहाँ जागो ऋतु का नाम दिया जा रहा है। जिला 4 भागों में विभक्त है। उप जिला अधिकारी हमें ग्वालंदो ब्लॉक तक ले जाते हैं। यहाँ कार्यालय में साक्षरता समिति की बैठक चल रही है। समिति के 57 सदस्य हैं, पर मीटिंग में केवल 15-20 सदस्य ही मौजूद हैं। शेष सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में व्यस्त हैं। समिति के सदस्यों में स्कूलों और कॉलेजों के प्राध्यापक तथा अध्यापक, शिक्षा और राजस्व अधिकारी, जिला परिषद के अध्यक्ष, पुस्तकालय कर्मी तथा प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। लेकिन इस समिति में महिला सदस्य सिर्फ एक है, नईमा, शिक्षा विभाग में प्रशिक्षक है। अधिकतर अधिकारी या तो शिक्षा विभाग के हैं या उनको दूसरे विभागों से इस काम के लिए भेजा गया है। वास्तव में संगठन का ये ढांचा हमारे देश के मॉडल जैसा ही है, जिसके अंतर्गत 1989-90 के बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अधीन अन्य विभागों के बहुत से सरकारी अधिकारियों को साक्षरता अभियान में लगाया गया था।
उनका काम 9 महीने के भीतर अपने अपने क्षेत्रों के लोगों को साक्षर बनाना था। राजबाड़ी में चलाए जा रहे सार्वजनिक शिक्षा आंदोलन की एक उल्लेखनीय बात ये थी कि इसकी साक्षरता समिति में पुलिस को भी शामिल किया गया है। यदि लोग साक्षरता समितियों में खुद नहीं आते तो पुलिस के प्रभाव का इस्तेमाल किया जाता है। गांव-गांव जुलूस निकाले गए, सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए नौजवानों के जत्थे भेजे गए, नुक्कड़ नाटक खेले गए, आम लोगों की भाषा में उनके रोजमर्रा के जीवन और समस्याओं को केंद्र बनाकर तैयार किए गए इन नाटकों ने साक्षरता का वातावरण बनाने में भारी भूमिका अदा की। साक्षरता के प्रति जागरूकता पैदा करने और साक्षरता के महत्व तथा संदेश को घर घर पहुंचाने के लिए लोगों के बीच जाकर उन्हें स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों और समस्याओं की जानकारी दी गई। इन नाटकों को लोगों ने चाव के साथ भारी संख्या में देखा। ऐसा ही एक नाटक 3 मार्च 2002 को दीवानपुरा गांव में खेला गया, जहां उस समय हम भी मौजूद थे। हास्य प्रधान तथा सरल भाषा में खेले गए इस नाटक के संवादों को लंबे समय तक लोग भुला नहीं पाएंगे। समाज को साक्षरता की ओर प्रेरित करने वाले ये कार्यक्रम 1 वर्ष तक चलाए गए। संपूर्ण साक्षरता आंदोलन की शुरुआत भी इन्हीं के बाद की जानी थी, लेकिन जिला साक्षरता समितियों के पास सरकार से पैसा नहीं आने के कारण सब कुछ खटाई में पड़ गया। इससे साक्षरता कार्यकर्ताओं के उत्साह में बेहद कमी आई। संपूर्ण साक्षरता आंदोलन के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रमों की दोबारा शुरुआत 1 फरवरी 2002 से ही हो पाई। साक्षरता फैलाने का काम ग्वालंदो उपजिला में भी 1 फरवरी से ही शुरू हुआ है। इसका नेतृत्व उपजिला अधिकारी के मार्गदर्शन में जिला परिषद के अध्यक्ष निजामुद्दीन फकीर कर रहे हैं। वर्तमान राजबाड़ी जिला TML प्रोग्राम शुरू हुए सार्विक साक्षरता आंदोलन। सुपरवाइजर के तौर पर मैंने मुख्य प्रशिक्षक से 6 दिनों की प्रारंभिक ट्रेनिंग ली है। अब पूर्ण साक्षरता अभियान प्रोग्राम मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि अशिक्षा की दर हमारे देश में काफी ऊपर है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की नींव है और इसके बिना प्रगति संभव नहीं। हम असाक्षरता को समाप्त करने के सब उपाय कर रहे हैं। मैंने यूनियन, ग्राम एवं वार्ड स्तर पर कई मीटिंग भी की है। हम अन्य तरह के उपाय भी कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप हमने लोगों से कहा है कि वो सरकारी ऋण अथवा अन्य प्रकार की सहायता राशि उनके हस्ताक्षर द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। अंगूठे का निशान इन मामलों में स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिक्षा ही देश का मेरुदंड। शिक्षा यदि हम ना देते पारी तहले देश के उन्नयन करा जाबे ना। जार जन्य हमरा ए शिक्षार जन्य हमरा जतटुकुन चेष्टा सार्विक भावे हमरा चेष्टा करछि जाते অশিক্ষিত আমার ইউনিয়নে না থাকে। এর জন্য আমি ইউনিয়ন পর্যায়ে মিটিং এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে মিটিং, গ্রাম পর্যায়েও মিটিং করেছি, যাতে মানুষ লেখাপড়ি করে যারা অশিক্ষিত যাতে না থাকে। যেমন আমরা বলে দিচ্ছি যে এখন রিলিফ যে আমরা বণ্টন করব, এটা আমরা টিম নেব না, স্বাক্ষর দিয়ে রিলিফ নিতে হবে। আমরা এটা বলে দিছি যে স্বাক্ষর দিয়ে রিলিফ নিতে হবে, টিপ দিয়ে আর আমরা মাস্টল করব না। যার জন্য আমরা অনেকের ফিরে দিছি, আবার কাগজে মিনতি করছে দিছি, বলে দিছি যে পরবর্তীতে যাতে তোমরা টিপ দিয়ে আর রিলিফ না নিতে হয় সেই দিক তোমরা খেয়াল রাখবা, এগুলি বলে দিছি। রং বিরঙ্গি আকর্ষক শাড়িও মে লিপটি अपने दुधमुए बच्चों को गोदी में संभाले इन युवा और प्रौढ़ महिलाओं को लगन के साथ पढ़ना लिखना सीखते देख हमें याद आ गए अपने देश के ग्रामीण क्षेत्र। लगा कि हम पश्चिम बंगाल के किसी गांव में चल रही कक्षा में बैठे हैं। वो ही भाषा, लगभग वैसा ही माहौल और वैसी ही महिलाएं। इनमें से कुछ से हमने बातचीत की, पता चला कि कुछ महिलाएं तो 1 महीने पहले तक अपना नाम लिख पाने की बात तो दूर, एक अक्षर तक पहचान नहीं सकती थी। आज वो काली स्लेट पर सफेद चौक से पहली बार अपनी पहचान अंकित कर रही हैं।
लोगों को साक्षर बनाने के इस आंदोलन में अलग अलग स्तर पर समाज के विभिन्न हिस्सों के सक्रिय और प्रतिबद्ध लोग जुड़े हैं। इनमें से एक हैं जिले के प्रतिष्ठित व्यवसायी शेख इदरीस मोहम्मद अली। इनकी हैचरीज और मुर्गी पालन का बहुत बड़ा व्यवसाय है। আমি মনে করি একটা মানুষের জীবনে অনেক ধরনের অর্জন থাকা উচিত। অর্থনৈতিক অর্জন किसी भी व्यक्ति को सिर्फ व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं बल्कि सामाजिक उत्थान के लिए भी कार्य करना चाहिए, अन्यथा मैं मानता हूँ उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हुआ है। पूर्ण साक्षरता अभियान एक प्रकार का सामाजिक विकास का कार्यक्रम है। मैंने ये कार्य समाज के हित में की गई सेवा के रूप में लिया है। सामाजिक कर्मकांडर मध्ये আমি মনে করি যে আমার একটা সামাজিক অর্জন আসতে পারে এবং এটা কিছু পাওয়ার জন্য না, শুধু মানুষের জীবন, মানুষের জীবনে যে কিছু সৎকর্ম থাকা উচিত, আমি সেই সৎকর্ম হিসেবে এই কাজটাকে আমি নিয়েছি। इन्होंने हमें ये भी बताया कि अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों को साक्षर बनाने के लिए इन्होंने कुछ कदम उठाए हैं। আমাদের হেসারির সাথে সরাসরি উৎপাদনের সাথে যুক্ত বা এই গলন্দ হেসারিতে চাকরি করে তাদের সংখ্যা 600 থেকে 700 মতো হবে। करीब 600 से 700 लोग इस गोलांदो हैचरीज में कार्यरत हैं। इनमें अशिक्षित पुरुषों एवं स्त्रियों की संख्या काफी अधिक है। इनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था 7 से 8:30 बजे शाम तक की गई है। हैचरी में कार्य का समय 8 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक का है। कार्यकर्ता काम के बाद स्कूल जा सकते हैं। मैंने इन लोगों से अपने घर के नजदीक के स्कूलों में जाने के लिए कहा है। मैंने उनसे कहा है कि 6 महीने बाद मैं उनकी परीक्षा लूंगा। उन्हें यह भी कहा गया है कि जो पढ़ाई में बेहतर करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। क्योंकि स्त्रियों के लिए साक्षरता क्लास दिन में चलता है, इसलिए मैं उन्हें काम का समय खत्म होने से 1 घंटे पहले ही जाने देता हूँ। एवं 6 मास पर तुम्हारे हमारे खाने परीक्षा होने जरा सफलता साथ उत्तरण घटा आसते লেখা পড়া তাদের জন্য আমার তরফ থেকে একটা রিওয়ার্ড থাকবে। আর মহিলাদের কেন্দ্র আমাদের এখানে নির্ধারণ করা হয়েছে দিনে এবং এই সময়টা তারা আমার এখানে কাজে ব্যস্ত থাকে। এজন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের কাজ শেষ হওয়ার যে সঠিক যে সময় নির্ধারিত যে সময় নিরক্ষরদেরকে আমি তার 1 ঘন্টা আগে ছেড়ে দিচ্ছি এবং আমাদের প্রজেক্টের গেটেই টিএলএম এর প্রশিক্ষিত যে শিক্ষক আছে তাদের দ্বারা 2 ঘন্টার পরিবর্তে 1 ঘন্টা বা কোনো কোনো দিন 1.5 ঘন্টা সেখানে পড়াশোনা করানো হচ্ছে এবং তাদের অগ্রগতি মোটামুটি ভালো। লেকিন তমাম নীতিও কার্যক্রমও আর ব্যবস্থাও কে সাথ সাক্ষরতা আন্দোলন কো সফল বানানে মে শিক্ষক কি ভূমিকা সবসে মহত্বপূর্ণ হে। ইস কক্ষা কো পড়ানে কা কাম করতি হে বিল কৃষ্ণা হে। ये राजबाड़ी के एक कॉलेज में एमए अंतिम वर्ष की छात्रा है। अपने गांव में एक केंद्र चला रही है जिसमें 30 महिलाएं पढ़ती हैं। ये कक्षाएं शुक्रवार को छोड़कर प्रतिदिन लगती हैं। बिल का लक्ष्य 9 महीनों में तीनों प्राइमर पढ़ाकर आंदोलन के दौर को पूरा करना है। इस काम के लिए मानदेय के रूप में प्रतिमाह उनको 500 टका अर्थात 475 के लगभग रुपया मिलता है। বলছে যে আবার অনেকেই বলছে এভাবে আমার স্বামী জানবে আমরা তাই খাবো পরে কি আমাদের বেশি কিছু আছে। স্কুল में लाना आसान कार्य नहीं है। जब इन्हें बुलाने जाती हूं तो औरतें कहती हैं कि अब पढ़कर क्या होगा, मेरा पति जो कमा कर लाएगा मैं वही खाऊं, पढ़ने से क्या मेरे पति को अधिक तनख्वाह मिलेगी। लेकिन इस सब से मेरा उत्साह कम नहीं होता। ट्रेनिंग में इस तरह की समस्याओं के बारे में बताया गया था। कई औरतों के पति भी उन्हें स्कूल आने से रोकते हैं, तो मुझे उनसे भी बातचीत करनी होती है। मैं कहती हूँ कि 6 महीने स्कूल आने के बाद वह साक्षर हो जाएंगी, अपना नाम स्वयं लिख पाएंगी और उन्हें अंगूठा नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए हमारी किताब का नाम भी चेतना रखा गया है। इसका अर्थ है कि अब हम में चेतना जाग उठी है। शेष सुजोग আমরা আসুন ভোগ করি এই শেষ সুযোগটা, আর আমরা নিরক্ষর থাকব না। আমরা যাতে সেই একজন হাত ধরে ধরে টিপসই দিবে এটা আমরা মানে নেব না। এখন আমরা সবাই মাথার জায়গায় উঠবো। আমি এদেরকে প্রথম দিনই বলছি যে আমাদের বইটার নাম কি জানেন? চেতনা। চেতনা মানে কি? অর্থাৎ আমরা ঘুমিয়েছিলাম, এখন আমরা জেগে উঠবো, সেই জন্য এই বইটার নাম দিছে চেতনা। রাজবাড়ী জেলে কুল মিলাকর 5,140 কেন্দ্র চল রহে হ্যাঁ
जिनमें 880 ग्वालंदों में है। हमारे क्षेत्र में साक्षरता दर बहुत कम है, खासतौर पर औरतों के बीच, इसलिए हम इस क्षेत्र के लोगों को साक्षरता के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि वो कम से कम अपना नाम लिख पढ़ सके। क्योंकि मैं पूर्ण साक्षरता अभियान से जुड़ा हूँ, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है। हमारे जिले की साक्षरता समिति का नाम जागोरितो राजबाड़ी समिति है। मैं इसे एक सुअवसर समझता हूँ क्योंकि सरकार किताबें, लांटेन और लेखन सामग्री मुफ्त देती है। हमारे ये जिला नाम है जागोरितो राजबाड़ी समिति। সেই সমিতির ভিতরে আমি ইনভলভ হয়ে গেলাম, একটা সুযোগ পেলাম যে বইপত্র দিবে গভর্নমেন্ট, তারপরে জিনিসপত্র দিবে, চট হেরিকেন ইত্যাদি দিবে, লন্ঠন দিবে, এবং এগুলো একটা সুযোগ। এই সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য আমি এর সাথে জড়িত হয়ে গেছি। গোয়ালন্দ কে পাস এক ইউনিয়ন পরিষদ গাঁও মে দো কেন্দ্র চল রহে হ্যায়। ইয়াহা কি শিক্ষিকা স্বয়ং সেবক রজিয়া বেগম সাক্ষরতা কো পুরি তরহ সে সমর্পিত হ্যায়। कक्षाओं में आने वाली अधिकांश महिलाएं बहुत गरीब हैं और इनके पति इनको कक्षाओं में आने से रोकते भी हैं। फिर भी रजिया को विश्वास है कि वो कक्षा की प्रत्येक महिला को जरूर साक्षर बना लेंगी। हम यही स्कूल कोर्से जाते हैं निरक्षर छात्र छात्री मेरा एवं महिला देर। मैंने ये स्कूल इसलिए शुरू किया है कि सभी अशिक्षित लोग साक्षर बन सके और पढ़ने लिखने के अपने सपनों को पूरा कर सके। अगर हम साक्षर होंगे तो हमारे बच्चे अशिक्षित नहीं रहेंगे। मैंने स्कूल 2001-2002 में ही शुरू किया है। अभी स्कूल में 30 छात्र हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है पतियों का औरतों को स्कूल आने से मना करना। वे कहते हैं कि इस बड़ी उम्र में पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, औरतें अपना काम खत्म करने के बाद ही यहाँ आती हैं। इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं स्वावलंबी बनना चाहती हूँ। কোনো কিছু একটা গোতর দেব, শিক্ষিত স্কুলে পাঠাইতে পারবো। সাক্ষরতা আন্দোলন মে প্রশিক্ষণ কা ভারী মহত্ব হ্যায়। বাংলাদেশ মে প্রশিক্ষণ কি জো ব্যবস্থা কি গই হ্যায় উসকা ঢাঁচা মোটে তৌর পর হামারে দেশ কে জ্যাসা হি হ্যায়। আই এম কো ট্রেনার, আই ট্রেন 26 মাস্টার ট্রেনার এট দ্যাট ডিস্ট্রিক্ট। আপনি জেলে মে মে সহ প্রশিক্ষক হুম। मैं 26 मुख्य प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देती हूँ। प्रत्येक जिले में 4 खंड हैं। एक खंड में 6 से 7 मुख्य प्रशिक्षक होते हैं। ये प्रशिक्षक सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण देते हैं। सुपरवाइजर गांव के स्तर पर जाकर आंकड़े एकत्रित करते हैं और वहां शिक्षक का चयन करते हैं और उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। आइडेंटिफाई द वेन्यूज, टीचर्स ट्रेनिंग वेन्यूज एंड दे टीच ট্রেন দ্য টিচার। জাগরিত রাজবাড়ী সমিতির টিএলএম এর একজন মাস্টার ট্রেনার হিসেবে কাজ করছি। मैंने গোয়ালেন্দো কে সুপারভাইজার কো প্রশিক্ষণ দিয়া হ্যায়। मैंने उन लोगों को इस बात का प्रशिक्षण दिया है कि वो कैसे लोगों तक जाए। मुख्य प्रशिक्षक होने के अलावा मैं एक प्रखंड के सुपरवाइजर के तौर पर भी काम कर रहा हूँ। मुझे एक दिन में कम से कम 5 सेंटर में जाना होता है। मुझे इस बात की जांच करनी होती है कि प्रशिक्षण का कार्य कैसा चल रहा है, छात्र क्लास में लगातार आ रहे हैं या नहीं, या उन्हें कोई दिक्कत तो पेश नहीं आ रही है। मैं असाक्षरों के घर भी जाकर उन्हें स्कूल आने की सलाह देता हूँ। मैं सेंटरों के बारे में एक साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करता हूँ और उसे उप जिला कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। सामाजिक प्रतिकूलता सृष्टि होती है कि ना, সেগুলো কে আমাদের দেখতে হয়। এবং গ্রামে যারা নিরক্ষর লোক, যারা এখনো কেন্দ্রে আসছে না, তাদেরকে আমার গ্রামে গিয়ে তাদেরকে বুঝিয়ে কেন্দ্রে আসার জন্য অনুরোধ করতে হয়। এইভাবে আমি সেন্টার পরিদর্শন করি। আর প্রতি সপ্তাহে সেন্টার পরিদর্শন করার পর আমাদের যারা সেন্টারে শিক্ষার্থী আছেন তারা কতটুক অগ্রগতি হয়েছে, লেখার অগ্রগতি, পড়ার অগ্রগতি এবং হিসাব নিকাশের অগ্রগতি, সেগুলো আমি ওই প্রতিবেদনের যে ফর্ম আছে সেই ফর্মের মধ্য দিয়ে আমি আমাদের উপজেলা যে টিএলএম ছেলে আছে সেই ছেলে আমাদেরকে জমা দিতে হয়। इसके अलावा साक्षरता आंदोलन से जुड़े अधिकारियों से कार्यकर्ताओं तक प्राय कोई भी इसमें पूरे वक्त तक जुड़ा नहीं होता। इन सबको विशेष तौर पर पर्यवेक्षकों और शिक्षकों को एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। ये प्रशिक्षण कई स्तरों पर किया जाता है। साक्षरता की दर और कुल मिलाकर शिक्षा का विस्तार भले ही कम हो,
लेकिन परंपरागत रूप से बांग्लादेश के आम नागरिक को आज भी कला और सौंदर्य में गहरी रुचि है। इनके इस अभिरुचि की छाप महिलाओं की खूबसूरत चटक रंगों की साड़ियों पर ही नहीं, उन प्राइमरों पर भी दिखाई पड़ती है जो नव साक्षरों को सरकार द्वारा निशुल्क दी जाती है। आकर्षक चित्रों से भरी ये पुस्तकें उनको अक्षर ज्ञान तो कराती ही हैं, साथ ही साथ ये पाठ्य पुस्तकें इन छात्रों को उनके वातावरण और रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी बातों को सरल भाषा में बताती हैं। इन पाठ्य पुस्तकों को सार्विक शिक्षा आंदोलन के महानिदेशालय द्वारा तैयार किया जाता है। विभिन्न आयु वर्ग के निरक्षरों को एक सीमित समय में, सीमित घंटों में अक्षर ज्ञान कराना आसान नहीं। ये प्रक्रिया औपचारिक शिक्षा की कक्षाओं से लगभग पूरी तरह से अलग है। दिन भर के थके हारे, अपनी समस्याओं में उलझे इन गरीब अनपढ़ लोगों को प्रेरित करने से लेकर इनको नियमित रूप से कक्षाओं में लाने और फिर पढ़ना लिखना सिखाने के लिए विशेष प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है। अपने थोड़े से दिनों, थोड़े से स्थानों की इस यात्रा के दौरान हमने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जो जानकारियां हासिल की, उनके आधार पर बांग्लादेश में चलाए जा रहे सार्विक शिक्षा आंदोलन के अनेक पहलू सामने आते हैं। 1990 में बांग्लादेश की संसद ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का विधेयक पारित किया था। इसके लिए नीतियों का निर्धारण किया गया और कार्यक्रम बनाए गए। तब से ही सारा देश एक व्यापक आंदोलन चला रहा है सबको साक्षर बनाने के। इस आंदोलन में हर वर्ष पिछले वर्ष से अधिक पैसा लगाया जाता है, अधिक लोगों को जोड़ा जाता है, लेकिन लक्ष्य कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। हर वर्ष ये मानो और भी दूर खिसकता जाता है। इसके बारे में बांग्लादेश की सरकार के प्राथमिक और जन शिक्षा प्रखंड ने सन 2000 की अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में कहा है, ये दुर्भाग्य की बात है कि बांग्लादेश की आबादी का बहुमत किसी भी भाषा में एक अक्षर भी लिखने की क्षमता नहीं रखता। इस स्थिति के पीछे सबसे पहला कारण तो यही है कि जनसंख्या में वृद्धि की दर बहुत अधिक है। दूसरे, प्रौढ़ शिक्षा पर जो अपेक्षित धन लगना चाहिए था उतना नहीं लगा। इसके अलावा शिक्षक उतने प्रेरित नहीं लगते जितने प्रेरित होने चाहिए। अनेक अधिकारियों में प्रतिबद्धता का अभाव है। शिक्षण की पद्धति प्रभावशाली नहीं है। कार्यक्रमों को संगठित करने के मामले में समय गलत है। गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी कम है और कार्यक्रमों में सिखाए जाने वाले हुनरों का सीधे सीधे कोई उपयोग नहीं। इससे लक्ष्य समूह में ये भावना पैदा होती है कि साक्षरता का ये कार्यक्रम उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोगी नहीं है। राष्ट्रीय संकल्प, नीतियों का निर्धारण, उनका क्रियान्वयन और परिणाम, ये तमाम एक ही श्रृंखला की कड़ियां हैं। ये एक दूसरे पर निर्भर हैं, पर ये अलग अलग भी हैं। ये एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। संकल्प नीतियों का निर्धारण करने को प्रेरित करता है और इन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया के दौरान सामने आने वाली समस्याएं तथा परिणाम समय समय पर इनमें परिवर्तन करने को बाध्य करते हैं। पिछले अनुभवों के आधार पर और बदलती हुई आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के सामने ये तय किया जाता है कि नीतियों में क्या परिवर्तन किए जाएं कि प्रभावशाली परिणाम सामने आ सके। ये बात मानव संसाधनों के विकास के मामले में और भी सही बैठती है। साक्षरता का प्रसार और शिक्षा के स्तर में वृद्धि आम लोगों के जीवन स्तर को ऊपर करने में एक दरवाजा खोलने का काम करती है। सारी दुनिया के खास तौर पर पिछड़े, लंबे समय तक उपनिवेशी शोषण तथा उत्पीड़न के शिकार और भारी जनसंख्या से दबे सीमित साधनों वाले सभी देशों में साक्षरता का प्रसार करने के लिए अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों में बार बार नए नए प्रयोग किए गए हैं। बांग्लादेश भी इसका अपवाद नहीं। लेकिन इन समस्याओं के बावजूद नव साक्षरों, स्वयं सेवकों और दूसरे साक्षरता कार्यकर्ताओं ने हमें जिस उत्साह और विश्वास की झलक मिली, उससे हमें भी विश्वास बनता है कि बांग्लादेश के अवाम
सबको शिक्षा के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे।